How does it feel now after the transplant? Good, very good. And what's your dream now once you get back to Pakistan? Study. What do you want to become? फैशन डिजाइनिंग। भारत के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की, एक बच्ची, टीन, शी इज वाज टीन, उसको एक 18-19 साल की लड़की है जिसका नाम आयशा रहमान था, उसको एक नई जिंदगी मिली है बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स ने चेन्नई के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की है। बिल्कुल सर, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर को और पाकिस्तान और इंडियन दोनों ने? उस डॉक्टर को सलूट मारता हूँ। He is the great person. When your child was diagnosed with heart issue in Pakistan, very difficult? Yes, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पर आए, इतना ज़्यादा अमाउंट मैं नहीं कर पा रही थी, हमने वहाँ पे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज शो में। दोस्तों, आप सभी ने पाकिस्तान की भिखमरी और भुखमरी वाली सारी की सारी हालतों के बारे में जरूर सुना ही होगा। वो भिखारी बनते जा रहे हैं और वहां पर भुखमरी एक बीमारी की तरह फैलती जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में एक और ऐसा वाक्य सामने निकल कर आया है जिससे एक चीज और वहां की गिरती हुई दिखाई दे रही है और वो है वहां का हेल्थ केयर सिस्टम। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिस्टमेटिक चीजें होना बहुत ही मुश्किल माना जाता है क्योंकि वहां पर सभी चीजों पर करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा आम है, चाहे वो आर्मी हो या फिर वहां की सरकार, सब सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। वहां पर कोई ना तो हेल्थ केयर पर, ना एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए ना तो सज्ज है, ना ही वो अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। उनके खुद के बच्चे तो बाहर यूके, अमेरिका, इन सब देशों में जाकर पढ़ रहे हैं, उनको कोई भी बीमारी हो तो वो बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं। लेकिन वहीं एक वाक्य ऐसा निकल कर आया है जो पाकिस्तान की एक 19 वर्षीय आयशा रशियन, जो कि पाकिस्तान की मूल निवासी थी, उसका हेल्थ केयर इतना बिगड़ गया कि उसके हार्ट में डिसइन्फेक्शन हो चुका था, पूरी तरह से उसका हार्ट खत्म होने की कगार पर था। इसी हालत को देखते हुए आयशा ने एक ऐसा साहसी कदम उठाया और भारत की ओर मुख किया। भारत में आने के बाद जब भारतीय डॉक्टरों ने इस समस्या को संज्ञान में लिया तो उसके बाद उन्होंने फ्री में ही आयशा का पूरा इलाज कर दिया, जिससे कि भारत की एक ऐसी छवि दुनिया के सामने प्रस्तुत होती है कि भारत के लिए कोई दुश्मन है ही नहीं सिवाय उसके खिलाफ नेगेटिव प्यार फैलाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी लोग और आतंकवादियों के अलावा। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची से 19 वर्षीय आयशा रशन को नई जिंदगी मिली है जब चेन्नई के MGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई। रशन 2019 में पहली बार भारत आई थी जब उन्हें गंभीर हार्ट डिसइन्फेक्शन के साथ परेशानी बढ़ चुकी थी जिससे अंत में हार्ट फेल हो सकता था। NDTV के अनुसार रशन को ICU पर रखा गया था जो हार्ट या फेफड़ों को प्रभावित करने वाली गंभीर बीमारियों या चोटों वाले लोगों के लिए जीवन संरक्षण प्रणाली है। उनका हार्ट पंप एक वाल्व में लीक हो जाने के कारण बाद में उन्होंने पूर्ण हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि हार्ट ट्रांसप्लांट प्रक्रिया, जो लगभग 35 लाख रुपये की होती है, अस्पताल और चेन्नई के ऐश्वर्यम ट्रस्ट ने पूरी की पूरी जो खर्चा है वो उठाया। दोस्तों, हृदय और फेफड़े ट्रांसप्लांट के संस्थान के निदेशक डॉक्टर KR बालकृष्णन और सह निदेशक डॉक्टर सुरेश राव ने आपातकालीन और रशन को आर्थिक सहायता देते हुए उसकी पूरी जानकारी ली और उसके बाद उसका इलाज किया। उन्होंने कहा कि कोई प्रतिस्पर्धा दावा नहीं था, इसलिए टीम तुरंत हार्ट प्राप्त कर लिया गया, अन्यथा एक विदेशी किसी अंग को नहीं प्राप्त कर सकता। उन्हें दिल्ली के 59 वर्षीय ब्रेन डेड रोगी से दिल प्राप्त हुआ। भारत सरकार, रशन और उनकी मां सनोबार ने आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में चिकित्सा सुविधा की कमी को हाईलाइट करते हुए यह संज्ञान लिया गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने कोई ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध ही नहीं कराई क्योंकि वहां पर कोई ऐसे डॉक्टर है ही नहीं जो हार्ट ट्रांसप्लांट कर सके, सबका फर्जीवाड़ा चल रहा है। दोस्तों, रशन पाकिस्तान लौटने के लिए तैयार है और फैशन डिजाइनर बनने की इच्छा व्यक्त करती है। 2018 में पाकिस्तान के वर्ल्ड कप विजेता फील्ड हॉकी गोलकीपर मंसूर अहमद ने भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की मांग की थी। तब 49 वर्षीय अहमद को उनके हार्ट में लगाए गए स्टेंट से उत्पन्न जटिलताओं का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2023 में डॉक्टर बालकृष्णन की टीम रशन परिवार को बताया कि दिल का ट्रांसप्लांट केवल एक विकल्प मात्र बचा हुआ है। अस्पताल से कई बार भी बाहर जाने के बाद रिपोर्ट में कहा गया कि 31 जनवरी को सनोबार को अस्पताल से फोन आया जिसमें चेन्नई के MGM हेल्थ केयर के डॉक्टर फिर भारत से दिल्ली के एक अस्पताल से भेजे गए। एक 59 वर्षीय ब्रेन डेड रोगी का दिल पाकिस्तानी लड़की को तुरंत प्राप्त किया गया। दोस्तों, ये भारत की तरफ से वसुदेव कुटुंबकम का नारा साफ साफ सिद्ध होता है कि भारत सिर्फ लोगों से मतलब रखता है और
चाहे किसी भी जाति, धर्म या देश का कोई भी नागरिक हो, भारत के और भारत के लोगों के दिल में सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति और प्रेम ही प्रकट होगा। लेकिन अगर कोई भारत की तरफ गंदी नजर उठाकर देखता है या भारत के खिलाफ कोई गंदी नजर उठाकर देखता है, तो भारत और भारत के लोग और भारत के वीर जवान उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूर्णतः तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।